उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत छत्तीसगढ़ में मौजूद इस वक्त हैं और मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में उन्होंने शिरकत की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। क्षेत्रीय परिषद की मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक हो रही है, वाईएसपी बैठक, उसमें वो भी पहुंचे हैं और ये तस्वीरें सामने आई हैं उसी दौरान की, वो ये फोटोज हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 22वीं बैठक हुई है और इसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पहुंचे हैं। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो मध्य क्षेत्रीय परिषद की 22वीं बैठक है और दरअसल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन तमाम जो राज्य हैं, इनकी सीमाएं लगती हैं, तो उसी लिहाज से इस बैठक की अगर बात की जाए तो बहुत अहम है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हो रही है, 22वीं बैठक है। राव शफाक अली मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता और ब्यूरो चीफ। राव, कितनी अहमियत होती है इस बैठक की जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हैं और कई राज्यों के मुख्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यूपी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हैं, गृहमंत्री भी वहां पहुंचे हैं, क्या खासियत है और ये कितने दिन का दौरा है मुख्यमंत्री का? देखिए, एक दिवसीय दौरा है न सिर्फ, और क्योंकि दो दिवसीय दौरा था, हालांकि एक दिन उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री वो यूपी में मौजूद थे, लेकिन कल ही शाम को छत्तीसगढ़ निकल गए थे। तो आज बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है और जो बीजेपी शासित राज्य है उनके मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद है, बड़े जो नेता है वो मौजूद है और खुद जो गृह मंत्री है अमित शाह वो मौजूद है छत्तीसगढ़ में। ये मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक है तो इस बैठक में बड़े निर्णय लिए जाते हैं, चर्चा होती है उन राज्यों को तरक्की के लिए, और दूसरी बात ये कि कार्यकर्ताओं से भी खास मुलाकात होती है और अगली जो राजनीतिक रणनीति है उन पर भी चर्चा होती है। तो गृह मंत्री खुद इस बैठक में मौजूद रहे और मुख्यमंत्री मौजूद रहे। आज शाम तक मुख्यमंत्री के वापस लौटने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। बहुत शुक्रिया राव, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए।